नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को गर्मी से जो है वो मुंह सूखने लगता है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोगों के पास में डायरेक्ट मिलती रहे और आप लोगों के पास में कोई भी बीमारी है वो हमेशा के लिए दोस्तों मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको लेना है, अगर आपको लोगों को मुंह सूखती है या हाथ पांव में जलन होती है तो आपको एक ही चीज लेना है, जैसे कि जो 100 ग्राम सौंफ लेना है, 100 ग्राम मिश्री लेना है और 100 ग्राम धनिया लेना है और उसको कूट पीस करके चूर्ण बना लेना है और उसमें आप चाहिए तो 10 नग आप डाल सकते हैं इलायची, और इलायची को डाल करके तीन चारों को कूट पीस करके एक चूर्ण बना लेना है और शीशी में रख देना है और सुबह के समय में आपको खाली पेट आधा चम्मच खाना है। अगर आप लोगों को प्यास ज्यादा लगती होगी, पेट में गैस बनता होगा, कोई काम करने को दिल नहीं करता होगा, हाथ पांव टूटता होगा, सेहत नहीं बनती होगी, तो आप लोगों के लिए ये अचूक दवा है। नहीं इससे लकवा मारेगा, नहीं फालिस मारेगा, नहीं कुछ भी होगा, लेकिन ये गर्मियों के मौसम में सबसे उत्तम है दोस्तों। कुंवारे बच्चों के लिए बहुत से बहुत अच्छा चीज है दोस्तों। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि अंडा खाते हैं, पूरा गर्मी से उनके जो है वो हाथ पांव में जलन हो जाता है, एक जीमा जैसे हो जाता है, बीमारी दाद खाज खुजली ये सब चीज जो है वो हो जाती है। तो अगर आप लोगों को पेट में गर्मी होती होगी, गैस बनता होगा, बदरहजमी होती होगी, कपार दर्द, देह दर्द करता होगा, तो आप लोग यही काम कीजिए। और हाथ में गोर में प्रसूता की बीमारी होती होगी तो आपको यही काम करना है, सिर्फ सौंफ लेना है 100 ग्राम। फिर से सुन लीजिए, सौंफ 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम जो मसाला में पीसा जाता है, और उसमें लेना है मिश्री 100 ग्राम, और आपको 10 नग लेना है इलायची हरा रंग वाली, उसको कूट पीस करके चूर्ण बना लेना है। थोड़ा सा अगर नरम होगा तो कढ़ाई में क्या कीजिएगा कि पहले भून दीजिएगा, उसके बाद में आप कूट दीजिएगा उखरी में, उखरी में कूटने के बाद में आप लोग रख दीजिएगा शीशी में, और सुबह के समय में खाली पेट आपको खाना है। अगर आप लोग करेंगे 10 से 15 दिन, या ये तो आयुर्वेदिक दवाई है, आप घर में भी रख सकते हैं और कभी भी दिल करे तो आप खा सकते हैं, आपको हर बीमारी नष्ट हो जाएगी। नहीं तो आप लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत ज्यादा जो है वो पैसा लग सकता है। दोस्तों दवा खाने पे लिखा रहता है दवा खाना, अगर दवा को हम लोग खाना को दवा की तरह खाएंगे तो कोई बीमारी जो है हम लोग के शरीर में उत्पन्न नहीं होगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता दुर्गा जी से हर दम हर वक्त रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जहां भी रहे वहां बने रहे। थैंक यू दोस्तों, मस्त रहे।